गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम फॉर मैथ्स। अब हम बच्चों मैथ्स पढ़ेंगे। आज मैम देखिए आप लोगों को एक एक्टिविटी कराने वाली है, जिसमें कि हम देख रहे हैं आप लोग, आपको पता लगा मैम क्या कराने वाली है? यस, आज हम लोग रिवाइज करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि अब आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया है एंड नाउ यू कैन कंपेयर द नंबर्स, है ना? आप लोग कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। देखिए मैम के पास एक बॉल है, उसमें मैम ने कुछ नंबर्स लिख के रखे हैं और ये देखिए कौन है, ये मिस्टर एलिगेटर, और ये मिस्टर एलिगेटर का माउथ है। देखिए ये वाला माउथ कौन सा होता है, जब एलिगेटर बड़े नंबर को चॉप करता है। देखिए ये ग्रेटर देन की तरह है ना, रिजेंबल कर रहा है ग्रेटर देन को। एंड दिस इज लेस देन, देखिए जब छोटा नंबर की तरफ उसका स्मॉल वाला पार्ट होता है। ओके, एंड इट रिजेंबल्स लेस देन, ओके दिस सिंबल। एंड दिस इज इक्वल टू, बच्चों आपको पता है जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं, इक्वल का मतलब आपको मैम ने बताया है बराबर। जैसे देखिए दिस इज 10 एंड दिस इज 10, बोथ द नंबर्स आर इक्वल, 10 इज इक्वल टू 10। तो एलिगेटर को समझ में नहीं आता है किस तरफ मुंह खोले और वो अपना फेस ऐसे बना देता है। देखा आपने, देखो ये देखिए, वो सोच में पड़ जाता है कि अपना मुंह इधर खोले या इधर खोले, क्योंकि बोथ द नंबर्स आर इक्वल, है ना? तो वो जो ये जो साइन होता है इक्वल टू का, बराबर का, देखिए इट रिजेंबल्स इक्वल टू साइन। देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ओके इक्वल टू। तो बच्चों देखो मैम ने यहाँ पे कुछ नंबर्स रखे हैं इस कंटेनर में, तो अब हम इन नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ओके चलो, मैम फर्स्ट नंबर निकाल रही है, ध्यान से देखना, वॉच वेरी केयरफुली। ओके दिस इज 80, रीड द नंबर चिल्ड्रन। यस 89 एंड दिस इज 81। चलिए बेटा कंपेयर द नंबर्स, विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है, बताइए मैम को। यस वेरी गुड, नाउ यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू कंपेयर, अब तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए टेंथ प्लेस में 8 है, हम टेंथ प्लेस शुरू करते हैं, यहाँ पे भी टेंथ प्लेस में 8 है, 8 तो इक्वल हो गए। देन कम टू वंस प्लेस, हेयर इज 9 एंड हेयर इज 1, सो कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है 1 से। यस इट मीन्स 89 इज ग्रेटर देन 81। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला माउथ एलिगेटर का ऐसे लगा देंगे। ओके इट मीन्स 89 इज ग्रेटर देन 81। ओके एक और नंबर लेते हैं हम, थर्टी फोर एंड रीड दिस नंबर, 25, 34 एंड 25, देखिए 34 एंड 25 विच इज ग्रेटर, यस टेंथ प्लेस हेयर इट इज 3 और यहां पर टेंथ प्लेस में 2 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स 34 इज ग्रेटर देन 25, तो यू विल पुट दिस माउथ टूवर्ड्स 34। ठीक है बेटा, ये देखिए ग्रेटर देन का साइन। अच्छा अब देखिए कुछ और नंबर्स दिखाएंगे आपको मैम। ओके ये तो आपका ग्रेटर हो गया, अब देखिए मैम कुछ और नंबर निकालने वाली है, रीड दिस नंबर, इट इज 29, यस एंड दिस नंबर इज, रीड द नंबर, 44। तो बच्चों अब बताइए विच नंबर इज ग्रेटर, दिस 44
यस 44 इज ग्रेटर। बेटा अभी तक हम ग्रेटर के लिए हमेशा हम ग्रेटर नंबर्स हमने लेफ्ट साइड में देखे हैं, देखे हैं ना मैम, हमेशा लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर लगाती है। लेकिन अगर ग्रेटर नंबर राइट साइड में आ गया तो क्या होगा? ओके देन इट मींस, अगर ये नंबर ग्रेटर है इट मींस दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ओके इट मींस 29 इज लेस देन 44। इसका मतलब ये हुआ ना, 29 इज लेस देन 44। और लेस देन का सिंबल आपको पता है, सी दिस 29 इज लेस देन 44। देखिए राइट साइड में 44 है, बड़ा नंबर, तो एलिगेटर का माउथ उधर ही खुला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रेटर नंबर राइट साइड में भी आ सकता है, हमेशा लेफ्ट साइड में ही ग्रेटर नंबर हो ये जरूरी नहीं है। ओके आपको अच्छे से कंपेयर करके सिंबल आइडेंटिफाई करना है कौन सा लगाएंगे आप। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ओके नाउ रीड दिस नंबर 67 एंड दिस नंबर इज 78। चेक द टेंस प्लेस, इट इज सिक्स हेयर एंड सेवन, विच इज ग्रेटर? सेवन। इट मीन्स दिस नंबर 78 इज ग्रेटर देन 67। और हम ये भी कह सकते हैं 67 इज लेस देन 78। 67 जो नंबर है वो 78 से लेस है, छोटा है, ये भी तो कह सकते हैं हम। तो यहां पर कौन सा सिंबल लगाएंगे एलिगेटर का माउथ? लेस देन वाला। ओके अब इसको कैसे रीड करेंगे हम? 67 इज लेस देन 78। ओके समझ आया बेटा? ओके अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम लेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए बेटा। ओके एंड रीड द नंबर, मैम जब नंबर लगाएंगे आप रीड करेंगे। 50 एंड अगेन 50, 50, 50। इट मींस बोथ द नंबर्स, व्हेन वी कंपेयर बोथ द नंबर्स, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। और एलिगेटर का कौन सा माउथ लगाएंगे? इक्वल वाला। ओके देखिए ये इक्वल वाला माउथ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, नंबर 10। नाउ कंपेयर बोथ द नंबर्स 10 एंड 10, 10, 10, बोथ आर इक्वल, 10 इज इक्वल टू 10, है कि नहीं? तो हम ये माउथ यहां लगा देंगे। सो दिस वॉज द एक्टिविटी, ये हमारी आज की एक्टिविटी थी। और अब आपको अच्छे से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू समझ आया बेटा? एंड हाउ वॉज द एक्टिविटी? यू लाइक द एक्टिविटी? तो आप बेटा ये एक्टिविटी अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप ऐसे कार्ड्स में नंबर्स लिख के और ऐसे थ्री माउथ बनाना एलिगेटर का, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वाला। और आप अपने भाई बहन के साथ ये गेम भी खेल सकते हैं। ओके यू लाइक द एक्टिविटी? आप घर पर इसको करेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड होगा। सो चिल्ड्रन थैंक यू।